Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from Testbook.com. Hello everyone. Good morning. Welcome to Testbook.com. So this is time to discuss about the financial samachar of 15th of July, which and we are going to discuss about some important news uh, which are mentioned uh, or which which were in uh, news regarding the the financial world. जिसके ऊपर आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यस वेलकम ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जल्दी से जुड़ जाइए सेशन को शेयर कर दीजिए लाइक like कर दीजिए ताकि और भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ जाए एंड वी विल डिस्कस अवर सेशन प्रॉपर मैनर सो नाउ देर इज वन न्यूज विच इज गोइंग ऑन वेरी मच विच इज क्रिएटिंग अ बर्ज एंड दैट न्यूज इज रिगार्डिंग द टेलीकॉम वॉर विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ

यस गुड मॉर्निंग टू एवरी वन यस गाइज सो उस न्यूज के तरफ हमारा वॉच रहेगा पर वो न्यूज अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे उसके ऊपर बाद में आएंगे बिकॉज अब ये जुडिशियल मैटर बन जाएगा उसके बाद जब भी कुछ रिजल्ट आता है देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट न्यूज

Already uh, the day before yesterday, Google announced that 10 billion they are going to invest into Indian economy over the next five to seven years. They are going to invest 10 billions in Indian economy and they are again going to plan or uh, they are in talks with the geo that they are they want to invest 4 billion into the geo. So geo is on the moon right now, so they are getting huge amount of investment from different different investors. But besides that, Right now, Flipkart also got the investment from their the whole and sole investor that is Walmart. Walmart already having 77% of shares of Flipkart.

नाउ okay. कुछ दिनों पहले नाबार्ड का फाउंडेशन डे था फाउंडेशन डे हैं डिजिटल चौपाल नाम से उन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जहां पे फार्मर्स के साथ नाबार्ड टॉक फाउंडेशन डे था नाबार्ड का 13th ऑफ जुलाई को एंड ऑर्गेनाइज और हैव अनाउंस दिस टू स्कीम्स यहां पे क्वेश्चंस आपको कहां पे आ सकते पहले उसके ऊपर बात करते हैं द फर्स्ट थिंग विच इज नाबार्ड इन अ सेवन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सात डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो भी नाबार्ड के साथ जुड़े हुए हैं जो भी फार्मर्स जो भी लोग नाबार्ड के फैसिलिटीज का फायदा लेते हैं सात डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वो सब लोग इस डिजिटल चौपाल के साथ जुड़े थे न सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा कि डिजिटल चौपाल वॉज इन न्यूज रिसेंटली इट वॉज रिलेटेड टू और इट इज रिलेटेड टू सो डिजिटल चौपाल वॉज रिलेटेड टू द नाबार्ड एक चौपाल के नाम का एक कंसेप्ट था चौपाल नाम से एक स्टोर्स ओपन किए थे रिटेल स्टोर्स ओपन किए थे आईटीसी ने कुछ सालों पहले आईटीसी नाम की कंपनी आपको पता होगी आईटीसी क्रिएटेड थे चौपाल नाम के रिटेल स्टोर कुछ सालों पहले पर बाद में यूज करके डिजिटल चौपाल नाम सेहुड मैटर्स इमेंसली एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिकेशन सॉइल रियल हेल्थ डिरेक्ट मार्केटिंग टू द अर्बन कंज्यूमर्स क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लाइमेट प्रूफिंग एंड कलेक्टिव सॉरी कलेक्टिवेशन ऑफ इन स्कीम्स के अंदर जितने फार्मर आते, उनसे जितने बेनिफिशियरीज आते हैं उन सबको ऑर्गेनाइज किया था और ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया अब वहां पे दो स्कीम्स है दोनों स्कीम्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत मैटर करती है दोनों स्कीम्स में 55000 करोड़ का रीफाइनेंस प्रोवाइड किया गया है पहली प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं 5000 करोड़ रीफाइनेंस फॉर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो हियर कम्स द क्वेश्चन Here comes the question and 100% they are going to ask the question द 5000 करोड़ की दो स्कीम्स लॉन्च की थी उसमें से पहली स्कीम है रीफाइनेंस की बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन दोनों को रीफाइनेंस किया जाएगा बट रीफाइनेंस रिगार्डिंग वाड़? यहां देखिए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो जो रेनशेड रेनफेड एरियाज होते हैं जहां पे बारिश अच्छे से नहीं होती है वहां पे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नाबार्ड इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी के अंदर सो नाबार्ड को पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इरिगेशन को हैंडल करने की सो वाटरशेड मैनेज के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड की गई थी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए वो फंडिंग और प्रोवाइड करने के लिए रीफाइनेंस दिया जा रहा है अगेन याद रखना बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली या फिर कोऑपरेटिव uh, सोसाइटीज की बात करें या कोऑपरेटिव की बात करें उनको रीफाइनेंस दिया जा रहा है पर ये रीफाइनेंस केवल कहां यूज कर सकते हैं वॉटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नंबर भी दिए हुए टू वन फाइव जीरो अब नंबर में इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर यहां पे अमाउंट याद रखना और वॉटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां पे ध्यान रखेगा ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके चलो आगे बढ़ते दूसरा जो पांच हजार करोड़ का जो आ, फैसिलिटी है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के लिए है नाउ रूरल नॉर्मली बैंक इतनी पेनिट्रेट नहीं होती है बैंक इतना वर्क नहीं करती जितना प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज काम करती है तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब पांच हजार करोड़ उन पीएससी के लिए निकाल के रखे हुए पहले पांच करोड़ वॉटर सेट मैनेजमेंट बैंक और बाकी फाइनेंशियल uh, इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए और बचे हुए पांच हजार करोड़ है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के लिए निकाल के रखे गए हैं नाउ दिस अमाउंट विल बी यूज फॉर रिजूविनेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी स्पेशली कंप्यूटराइजेशन के उनमें मल्टीपल सर्विसेज एंटर की जाएगी तो केवल ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी केवल लोन प्रोवाइड करने के लिए वर्क नहीं करेगी इसके बाद ये एग्रीकल्चर को हेल्प करेगी फार्मर को हेल्प करेगी उनके मार्केटिंग एंगल से उनको जो भी सर्विसेस लगती है जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल स्टफ तो वो सारी सर्विसेस उनको पीएससीज के थ्रू ही प्रोवाइड करने की कोशिश यहां पर की जाएगी हमने ऑलरेडी इसके पहले देखा था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इनको हम स्ट्रांग बना रहे ताकि फार्मर्स को हर तरीके से हेल्प हेल्प सक, मिल सके इसके अलावा पीएससीज को भी स्ट्रांग बनाया जाएगा ताकि फार्मर को बाकी जो सर्विसेज होती है जो उनको नीड होती है फॉर एग्जांपल सपोज उनको ऑनलाइन कुछ परचेस करना है ऑनलाइन कुछ सेल करना है उनको फंडिंग तो मिल ही रही है

वहां पे भी हमने देखा कि जो पैसा दिया गया है वो भी वॉटर शेड वाला वो भी 23 के हिसाब से वर्क करेगा और यहां पे जो PSCs को डेवलप करने की बात की गई है या मॉडिफाई करने की बात की है ये भी 23 के हिसाब से है तो 5000 इस साल डेवलप की जाएगी 15 पंद्रह हजार ये नेक्स्ट दो साल के अंदर डेवलप की जाएगी एंड दैट इज द होल एंड सोल फोकस ऑफ नाबार्ड थ्रू दीज अनाउंसमेंट्स तो याद रखना यहां पर काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे ओके okay? एस को नहीं नहीं, डीआईसीजीसी जीसी ये पी के अंदर नहीं आएगा ओके नो पी एस आर नॉट अंडर दैट ये क्रेडिट सोसाइटीज है यहां पे डीआईसीजीसी uh, का रोल नहीं आता है एब्सोल्युटली नॉट ओके तो वो अलग तरीके से काम करेंगे ठीक है uh,

ऑटोमेटिक फार्मर्स को काफी हेल्प होगी और चीजें बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं रिसेंटली इन स्टेट ऑफ जिनके लोन माफ हुए उनको कुछ सर्टिफिकेशंस जमा करने थे तो बहुत सारे लोन पीएससी से लिए गए थे के फार्मर्स किसी और सिटी जाके प्रिंट करवा के लेके आना पड़ा फिर वो फिजिकल फॉर्म में पीएससी को देना पड़ा पीएससी ने फिजिकल फॉर्म में उसको पोस्ट के थ्रू अटैच करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा सोचिए सारे काम ऑनलाइन हो सकते थे ये सारे काम एक मेल के थ्रू हो सकते थे पर यहाँ पे फार्मर्स को फिजिकल फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करके लेके आनी पड़ती है अगर मॉडर्नाइज कर दिया अगर उनको ऑनलाइन सिस्टम में ज्वाइन करवा दिया तो पीएससी सारा काम एक ईमेल की बटन पे कर देगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी महीनों पहले मीन कोरोना स्टार्ट होने से पहले ये सारे लोन माफी वाले चीजों का अनाउंसमेंट किया था आज भी वो पूरी नहीं हुई है बिकॉज बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन आर नॉट मॉडर्नाइज मॉडर्नाइज नहीं है उनको मॉडर्नाइज होने के लिए काफी वक्त लग रहा है एंड दैट इज द मेन रीजन इसलिए पांच हजार करोड़ यहां पर डाले गए हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए ठीक है यस आरआरबी गिव्स नो no, नो no, uh, आपने उल्टा बोल दिया नाबार्ड असिस्टेंस टू द आरआरबीज ओके ये पॉइंट याद रखना नाबार्ड आरआरबीज को असिस्टेंस देती है ओके लुक यस यस ये यस यस नाबार्ड की जिम्मेदारी क्या है लुक नाबार्ड की जिम्मेदारी ये है कि आपका जो uh, जो एग्रीकल्चर uh, लेवल uh, है द रूरल लेवल है वो रूरल लेवल डेवलप होना दैट इज देयर मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब Okay. So their, their कि उनको uh, उनको एग्रीकल्चर uh, like लेवल या उनको रूरल एरिया डेवलप करनी हो उसके लिए जो जो वर्क करेगा चाहे आरआरबी पॉइंट याद रखना ठीक है वॉलमार्ट नाउ मैंने कहा था कि तभी फ्लिपकार्ट के अंदर काफी बड़ा फंडिंग uh, आया हुआ एंड दिस टाइम फंडिंग इज अगेन गिवन बाय द वॉलमार्ट

ऑफ फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट के 80% परसेंट शेयर ये वॉलमार्ट के पास है नियर अबाउट दे आर हैबाउट सॉरी यस अगर उसकी वैल्यूएशन देखिए फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन वैल्युए तो 24.9 बिलियन की वैल्यूएशन है फिलहाल फ्लिपकार की मार्केट में तो मार्केट में इतनी वैल्यूएशन वाली कंपनी ये इकलौती है फ्लिपकार्ट अगर रिसेंट जो नए स्टार्टअप्स की या नए कंपनियों की बात की जाए तो उसमें फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है बिकॉज उसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आया हुआ है के? अब वॉलमार्ट ने सडनली इन्वेस्टमेंट क्यों किया दो रीजन है एक तो एमेजॉन ने काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट करके गए थे जेफ बोजेस जब इंडिया आए थे तो अमेजॉन के लिए बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए थे दूसरा अगर रिलायंस की बात करें तो जियो बहुत बड़े लेवल पर आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में फ्लिपकार्ट का सर्वाइवल बहुत मैटर करता है अदरवाइज फ्लिपकार्ट लॉस में जाएगा और वॉलमार्ट मेजोरिटी शेयर होल्डर है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि फ्लिपकार्ट को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया जाए तो इसलिए यह काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया ये पॉइंट याद रखना 2018 में लगभग पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के हाथ में जा चुका था उसके बाद वापस एक बार एक फंडिंग आ चुकी है ये फंडिंग उस टाइम पे है जब गूगल ने कहा कि टेन बिलियन डॉलर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट टू इंडियन इकोनॉमी एंड दे आर अगेन प्लानिंग फोर बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इन टू सो अगर सारी यूएस बेस्ड सिलिकॉन वैली की कंपनीज इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही है ये बहुत अच्छी साइन है इंडियन इकॉनॉमी के लिए कोरोना के इतने बैड सिचुएशन के अंदर भी सिलिकॉन वैली इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू इंडियन इकोनॉमी गुड जॉब रिगार्डिंग द स्पेशली इन द सर्विस सेक्टर दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब बिकॉज जियो के अंदर जो भी फंडिंग आ रही है वो सर्विस सेक्टर का है फ्लिपकार्ट की बात करें ये भी सर्विस सेक्टर के अंदर जा रहा है तो काफी अच्छा बेहतरीन काम यहां पे हो रहा है बट एक प्रॉब्लम यहां पे ओवर द पीरियड हो रही है आपने रिसेंटली सुना होगा कि वी आर परचेसिंग सम गन्स फ्रॉम द यूएसए नाउ okay. यहां पे आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है एंड वी आर परचेसिंग गन्स फ्रॉम द यूएसए तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है जो इंडिया में भी गन्स मैन्युफैक्चर करते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद दैट उनका यह कहना है आत्मनिर्भर की बात करते हो और दूसरे साइड में आप यूएस से गन्स खरीदते हो वाई नॉट मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम वहां पर आ रही है तो आज भी अगर बात की जाए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना सर्विस सेक्टर अट्रैक्टिव है इसलिए मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है

फेसबुक एज वेल एज गूगल दे आर इन्वेस्टिंग इन टू जियो तो सोचो जियो का वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ जाता है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीनारियो अगर वैल्यूएशन, कंपनी वैल्युएशन की बात करें तो आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपका वैल्यूएशन ज्यादा जाना जाता है फ्लिपकार्टेविंग द मोर इन्वेस्टमेंट देन पेटीएम के पास है देन बाइजूस की बात की जाएगी एंड देन ओयो रूम्स की बात की जाएगी तो फ्लिपकार्ट राइट नाउ वैल्युएशन के हिसाब से काफी टॉप में आता है काफी बड़े लेवल पे वर्क करता है ये ये लिस्टेड कंपनीज की बात नहीं हो रही है

ज्यादा मैटर करता है ठीक है यस सो

सम रेगुलेटरी बाइंडिंग्स देर आर सम रेगुलेटरी लू फोल्स और द शॉर्ट कमिंग्स इन द कलेक्टिव स्कीम्स म्यूचुअल फंड आर लाइक फ्रूटफुल और मोर रेगुलेटरी रेगुलेटरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही ज्यादा डिफरेंस यहां पर होते हैं ओके okay? uh, These investments will work on the effect on prepaid recharges. I don't know about that. Okay, it will be it will be completely depending on the geo. ki where they are going to invest this money. Why this money is coming? Because the money which is given by Facebook to geo, this money is not for the geo. This one is for the geo mart. वो जियो मार्ट के लिए दिया गया है अब जिन जिन ने फंडिंग दी हुई है वो फंडिंग कहां यूज करनी है किस तरीके से यूज करनी है और किस पर्पस के लिए यूज करनी है इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन जियो एंड द पार्टनर्स उनके जो पार्टनर्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है वी डोंट नो ओके इन फ्यूचर शायद प्राइजेस कम भी हो सकते हैं बिकॉज नाउ जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है जियो के अंदर जो गूगल स्पेशली जो जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है उनका प्लान है फाइव के लिए फाइव जी के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ओके, okay? वो उनका फोकस है जो Facebook ने इन्वेस्टमेंट किया वो जियो मार्ट के पर्पज से था तो इन्वेस्टमेंट जो आते हैं उसके पर्पजेस भी अलग अलग होते हैं तो उस पर्पज के एंगल से भी हमें देखना पड़ेगा कि एक्जैक्टली exactly क्या, क्या रहेगा और क्या सीनारियो यहां पर होने वाले है मोस्ट इंपोर्टेंट सिनारियो यस दीज इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन इंडियन एम्प्लॉयमेंट बट ऑब्वियसली जितना ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा उतना इंडियन एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा बिकॉज नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे

वट अबाउट द मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी इंडिया में स्ट्रगल करता है वॉट अबाउट एमएस आज भी स्ट्रगल करती है और हमने लास्ट टाइम देखा था इंडिया का थर्टी परसेंट जीडीपी एमएसएमई के थ्रू ही आता है

रही है इट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्टिजन फ्लिपकार्ड को अभी फिलहाल नहीं आना है मार्केट में फ्लिपकार्ट थे मार्केट में वापस वो गेटबैक uh, हो गए प्राइवेट इक्विट में चले गए सो इट इज डिपेंडिंग ऑन दम ओके यस uh, yes, आज मुकेश अंबानी आज एजीएम का मीटिंग है एब्सोल्युटली राइट जो सुशांत ने कहा कि एजीएम का आज मीटिंग है ओके okay, उस मीटिंग के अंदर मुकेश अंबानी क्या अनाउंसमेंट करते हैं उसके बाद हमें पता चलेगा कि उनके एग्जैक्टली exactly प्लान्स क्या है तो वो प्राइजेस कम करते कि नहीं वो हमें पता चलने वाला है ओके okay? <coughs> चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ uh, आईआरडीआई की बात करते आई आर डी इंश्योरेंस रेगुलटरीपमेंट अथॉरिटीजी चार से पांच कमिटीज है एंड विच वॉज वेरी मच इन न्यूज नाउ इस बार आई ने सारे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में तीस जनरल इंश्योरेंस कंपनीज काम करती है जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज उनको सबको बोल दिया गया कि आपको दो पॉलिसीज लानी पड़ेगी एक का नाम है कोरोना कवच और दूसरे का नाम है कोरोना रक्षक यहां पे ध्यान क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले है, और, ये है, और रक्षक. है, दोनों है, से डील करने के लिए पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी और सारी इंश्योरेंस कंपनी सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस नहीं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है उनको ये दोनों पॉलिसीज लानी पड़ेगी देखिए पॉलिसी मिनिमम

प्लस बाकी भी कोई हेल्थ इश्यू अगर आपको होगा जो कोरोना के साथ एड ऑन होता है सपोज मुझे हार्ट का प्रॉब्लम और साथ में अगर कोरोना हो गया तो दोनों कंडीशंस को यहां पे ट्रीट किया जाएगा दोनों कंडीशंस के लिए हेल्प की जाएगी ऐसा नहीं कि भाई आपका हार्ट का प्रॉब्लम पहले से था तो आप, आपको क्यों हेल्प नो को मत की गई है इसका मतलब दोनों हेल्थ जो लाइक like, कोरोना तो है ही साथ में और भी कोई हेल्थ कंडीशन होगी तो दोनों को प्रॉपर तरीके से यहां पर जस्टिफाई किया जाएगा ये पॉइंट याद रखिए टेन देखिए देखिये थ्री पॉइंट फाइव मंथ टू नाइन पॉइंट फाइव

Under the indemnity plan, the policyholder is reimbursed for hospitalization expenses. इसके अलावा देखिए रूम बोर्डिंग चार्जेस पीपीए किट ग्लव मास्क जो भी आप यूज करोगे इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट भी अगर आप करते हो तो ये भी आपको प्रोवाइड की जाएगी बस इतना ही नहीं अगर आप होम क्वारंटाइन हो तो 14 डेज के जो भी ट्रीटमेंट के लगने वाले हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो कोरोना कवर्च इज मोर स्ट्रांगर पॉलिसी जो काफी अच्छे तरीके से बेनिफिट करती है बिकॉज यहां पर सारी ट्रीटमेंट कवर की जा रही जो कोरोना के साथ आपको मिलने वाली है प्लस पीपीई किट मास्क उसका भी आपको मिलेगा इसके अलावा घर के अंदर अगर आपकी ट्रीटमेंट होती है तो वो भी सारे चार्जेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये सारा कोरोना कवच में कवर करने की बात की गई है याद रखना 18 to 65 K, यहां पे पांच लाख मैक्सिमम सम एश्योर्ड है एंड फिफ्टी ये मिनिमम सम एश्योर्ड है कोरोना रक्षक की बात करते हैं कोरोना रक्षक ये वन टाइम स्कीम है लमसम अमाउंट मिलेगा जैसे हमने देखा कोरोना कवच के अंदर आपको जितना पैसा हुआ उतना पैसा आपको इंडेमिनिटी के हिसाब से मिलेगा यहां पे लमसम अमाउंट मिलने वाला है कि पूरा का पूरा पैसा बाद में आप वो जिसको जिस तरीके से यूज करना आप कर सकते हो आपको डॉक्टर को देना डॉक्टर को दीजिए मेडिसिन खरीदने मेडिसिन खरीदिए उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं रहेगी पहले की पॉलिसी काफी ज्यादा कहेंगे कॉम्प्रेहेंसिव थी ये पॉलिसी लमसम के हिसाब से काम करेगी एटलीस्ट सेवेंटी टू आवर्स बात की गई है कि आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव उसके बाद ये पॉलिसी वर्क करना शुरू करेगी यहां भी फिफ्टी थाउजेंड मिनिमम है पर टू पॉइंट फाइव लैख मैक्सिमम है ओके okay. और रेंज सेम है टेनियर का भी रेंज सेम रहेगा तो दो पॉलिसी है जो भी पॉलिसी किसी को लेनी है वो ले सकते हैं ये सारे इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है अगेन सिंगल प्रीमियम है वहां पे मल्टीपल प्रीमियम्स रहेंगे प्रीमियम कितना रहेगा ये कंपनीज आपको बताएगी कंपनी के हिसाब से सारी चीजें रहेगी ये पॉइंट याद रखना उसके हिसाब से चीज काम करने वाली है अगेन एल के पास मत चले जाना बिकॉज ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करने वाली है यहां पर कोई भी दिक्कत मत लीजिएगा ठीक है क्लियर है सबको यस yes, मैंने कहा प्रीमियम अजय मैंने शायद आपके प्रीमियम का क्वेश्चन का आंसर दे दिया है प्रीमियम विल बी डिपेंडिंग ऑन दी द इंश्योरेंस कंपनीज ओके okay, चलो नेक्स्ट न्यूज़ तरफ जाते है, June, Now, index, ये दो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टूल्स है जिसके भरोसे हम इंडिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं इंडिया का जो हार्ड कोर है इंडिया का जो मेजर इन्फ्लेशन है उसको हम सीपीआई के भरोसे ही कैलकुलेट करते हैं okay. डब्ल्यू पी आई की बात करें तो ये अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के भरोसे अगर इन्फ्लेशन मुझे चेक करना है तो 6.09 पॉइंट जीरो परसेंट था अकॉर्डिंग टू आरबीआई अकॉर्डिंग टू मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया इन्फ्लेशन इज बिटवीन बिटवीन टू परसेंट टू सिक्स परसेंट इसके बीच में होना चाहिए

टू इंडासेस विच आर शोइंग द इनफ्लेशन एंड दैट्स वाई नाउ देर आर सम्रबल्स इन द मंथ ऑफ एप्रिल डब्ल्यूपीआई के फिगर्स दिए ही नहीं गए थे दिए नहीं गए थे रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बताया था कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम अभी भी परसिस्टेंट है वो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है कि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है जो डब्ल्यूपीआई को जस्टिफाई कर सके इसलिए इतनी बड़ी गैप दिख रही है ये न्यूज लेने का रीजन बस इतना था कि कि आपको पता चले एंड सीपीआई दो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं इंडिया पहले डब्ल्यूपीआई यूज करती थी पर अभी WPI ये इंडिया के प्रॉपर इन्फ्लेशन को जस्टिफाई करने के लिए यूज नहीं करते हम लोग सीपीआई के भरोसे इंडिया का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्योंकि यहां पे गुड्स और सर्विस दोनों की 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 कैलकुलेट जाती है और राइट नाउ जून मंथ हैं जब बात करेंगे तो इसमें केवल गुड्स के होते के वैल्यूएशन होते सर्विसेज नहीं होते हैं और पे होलसेल पे लेवल पर दोनों में एक चीज कॉमन है कि फूड इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है yes. आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि बाकी सारी चीजों के दाम कम हो गए पर फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत एक्सेसिव जा चुका है कि वहां पे डिमांड काफी ज्यादा है स्पेशली पैकेज फूड्स की बात करें तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है ऊपर से बीच में जो मॉनसून था वो इंटरमीडियंट था वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं आया जिसकी वजह से और प्राइजेस ऊपर जा चुके हैं तो फूड इन्फ्लेशन इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इन मेनी एरियाज ऑफ इंडिया स्पेशली फॉर द होल इंडियन इकोनॉमी तो यहां पर याद रखना यहां पर काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है यस यस इफ यू वांट टू लर्न द बैंकिंग पार्ट आप हमारे एस बी आई पीओ की हमारी थ्री पॉइंट की बैच स्टार्ट हो रही है आप उसमें भी एनरोल uh, कर सकते हो वहां पे भी आप आ सकते हो ओके okay? तो यहां पे पॉइंट याद रखिएगा ठीक है yes, यस uh, स यस विघ्नेश यू कैन यू कैन टेल यूअर फ्रेंड्स फादर रिगार्डिंग द कोरोना इंड कैंसर बट यहाँ पे इतना कवरेज uh, नहीं मिलेगा बिकॉज कैंसर के अलग कवरेजेस होते हैं तो वहां पे भी आप कवर uh, चीजों को कवर कर सकते हो ओके okay? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं नाउ हम सेकंड लास्ट न्यूज की तरफ आएंगे ब्लूमबर्ग बिलियनियस इंडेक्स हैज रैंक मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज एज 72.4 बिलियन सिक्स रिचेस्ट पर्सन के ये न्यूज ऑलरेडी आप लोगों को काफी अच्छे से पता होगी दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज रिची रिच इज नाउ एज सेवेंटी बिलियन सिक्स रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड

अगर बात की जाए लैरी पेज सेवेंथ पोजीशन पे है, के सरजी ब्रीन पोजीशन पे आ रहे हैं योन मस्क पोजीशन एंड वॉरेन बफेट इज ऑन द एट पोजीशन वॉरेन बफेट किसी जमाने में दुनिया के सबसे रईस हुआ करते थे धीरे धीरे उनका इनकम नीचे गला चला गया सबसे बड़ा रीजन है वॉरेन बफेट का इनकम नीचे जाने का शेयर मार्केट बिकॉज वॉरेंट बफेट इज कंप्लीटली इन्वेस्टेड इज मनी और वॉट आर द अर्निंग इज हैविंग इज फ्रॉम द शेयर मार्केट इज कॉल्ड एज अ बुल ऑफ वर्ल्ड शेयर मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बुल इनको मानते हैं बहुत इनकम उन्होंने शेयर मार्केट के थ्रू ही कमाया हुआ है बट मार्केट जिस तरीके से ड्रॉप डाउन हुआ था उनका इनकम भी काफी ड्रॉप डाउन हुआ वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट को लेके अभी लोग क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं कि यस रियली वॉरेन बफेट विल बी कॉल्ड एज अ बुल और नॉट बिकॉज़ अभी तक जितना इन्वेस्ट वो शेयर मार्केट्स में किया करते थे उनके रिटर्न्स काफी स्ट्रांग आते थे बाकी लोगों की बात करें तो उनके काफी और और बिजनेसेस हैं पर वॉरेन बफेट इज कंप्लीट इन्वेस्टर He's only investing into the markets and he's getting money from that. So still, उनका rank थोड़ा नीचे जा चुका है और उनको अगर Ambani साहब पीछे छोड़ देते हैं, that means he earn a lot. But another thing, ये जो index, ये जो uh, Bloomberg का index है, billionaires index है, ये daily basis पे आता है. Okay, हमें Forbes magazine का wait करना पड़ेगा. वहाँ पे Ambani साहब कहाँ पे stand करेंगे? वो हमारे लिए काफी matter करने वाला है. Okay, चलो. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं

ने इनोग्रेट किया था से 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 जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी सोलर पावर प्लांट उसमें से 24 ये दिल्ली दिल्ली मेट्रो मेट्रो को जाने वाली है 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 तो ऑलरेडी कार्बन कार्बन न्यूट्रल न्यूट्रल पे पे काम कर रहा है। अभी इंडियन रेलवे की बारी आ गई है। उसको भी हम लेके जाएंगे 2030 तक जिसमें आ, किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क डन ड्यूरिंग 14 टू 20 तो इस 14 से 20 के टाइम पे 18,000 हजार किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है जो गवर्नमेंट का या रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है, Now, Now, बहुत सारे है जहां पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं तो वहां पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सोलर के थ्रू आती है तो ग्रीन सर्टिफिकेशन उन प्लांट्स को या उन ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं रेलवे स्टेशन

कंजम्पशन काफी हद तक इंडिया में कम हो जाएगा और पोल्यूशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया फेस करती है इससे भी इंडिया को छुटकारा मिल सकता है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे गोल्स है वो गोल्स अचीव करने के लिए इंडिया को काफी हेल्प हो सकती है तो so, काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बड़ा प्रोजेक्ट है लेट्स होप एवरीथिंग विल गो इन अ प्रॉपर वे और ये सक्सेसफुल हो सके ठीक है चलो सो दैट इज अ केस विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओके यस uh, yes. नवरंग आपने कल एक पॉइंट मेंशन किया था मुझे uh, अच्छा हो गया कल आपने याद दिलाया था मैं इस, इस बैच में बताना चाहता हूं कि कल नवरंग ने एक पॉइंट बताया था जो मैं शायद कई uh, मैं बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल तबियत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कहीं पढ़ना भूल गया था नवरन ने कहा था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज का मर्जर हमने एक न्यूज देखी थी वो मर्जर दो साल के लिए पोस्टपोन किया गया दो से तीन साल के लिए पोस्टपोन किया गया नवरन ने कल मुझे एक बैच में अच्छे से याद दिलाया था उसके बाद मैंने क्रॉस चेक किया था वेरी गुड पॉइंट चलो हमारे सारे दोस्त काफी अच्छे से पढ़ते हैं एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट ओके तो एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों जो हमने देखा था कि नेशनल इंश्योरेंस यूनाइटेड इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस ये सारी कंपनीज मर्ज होने वाली थी पर अभी मर्जर को पोस्टपोन कर दिया है और जो भी पैसा लिक्विडेट किया गया था कंपनीज में वो कंपनीज की सिचुएशन को स्ट्रांग करने के लिए यूज करेंगे तो कंपनीज को स्ट्रॉग बनाया जा रहा है और मर्जर को पोस्टपोन किया गया है ओके एंड दैट अ वेरी गुड पॉइंट जो मुझे याद दिलाता था हमारे दोस्त ने सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग ओके थैंक यू वेरी मच सो so, चलो मिलते हैं दोस्तों तीन बजे का हमारा सेशन रहेगा तीन बजे में हम लोग एमडीज और सीओ जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एमडीज और सीओ है उसके ऊपर हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं तो बजे के सेशन को आना मत भूलिएगा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी क्वेश्चन एग्जाम में एमडीज और सीओ के ऊपर आते हैं और करंट में जो एमडी एमडीसीओ न्यूज में चल रहे थे उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे चालीस क्वेश्चन रहेंगे फोर्टी क्वेश्चन टू डिस्कस एट थ्री ओके तो मिलते हैं तीन बजे के सेशन में एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ठीक है चलो